विश्व के पटल पर सुसज्जित एक राष्ट्र आर्यवर्त या भारत, उसके कंठ प्रदेश में बसा एक प्रदेश हिमाचल, और हिमाचल की उत्तरी पश्चिमी तलहटी में बसा सुंदर आकर्षक भव्य मनभावन एक जनपद, नाम है कुलांत पीठ, जिसे कुल्लू कहा जाता है। अपनी सुंदरता, आभा और अपनी हटकर पहचान के कारण देश विदेश से लोग यहाँ अकस्मात एकाएक चले आते हैं। मूलतः कुल्लू देवभूमि के नाम से विश्व विख्यात है। एकदा कुलांत पीठ के राजा जगत सिंह के द्वारा हुई भूल के कारण मणिकरण घाटी के टिपरी गांव में बसने वाले पंडित दुर्गादत्त आत्मदाह कर लेते हैं, और वैसे ही कुल्लू में भगवान रघुनाथ के आगमन की कथा प्रारंभ होती है। राजा जगत सिंह ने सन 1660 ईस्वी में विजयदशमी को रियासत के 365 देवी देवताओं को कुल्लू के ढालपुर मैदान में बड़े यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। कालांतर में यही आयोजन दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। देवभूमि कुल्लू में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव की एक विशेषता रही है कि जब पूरे देश में दशहरा उत्सव संपन्न होता है, कुलांत पीठ की इस तपस्थली में, तब भगवान रघुनाथ का दशहरा आरंभ होता है। दशहरा उत्सव के आरंभ में देवता के रथ नाम मात्र ही थे। कुछ देवता करंडी रूप में, अन्य देवताओं के निशान घंटी, धड़च, गुर्ज, खंडा, शांगल आदि रूप में, कारदार, गूर, पुजारी, कारकुन तथा हार, वाद्य वृंद सहित वादक दशहरा उत्सव में सम्मिलित हुए। 18वीं 19वीं शताब्दी में देवी देवताओं के रथ का निर्माण हुआ। अब देवता देव रथ में विराजमान होकर श्री रघुनाथ जी की चाकरी के लिए आने लगे। तब विदा दशमी का प्रारंभ प्रथम नवरात्र को ही हो जाता था। इस दिन दुर्वासा ऋषि, नारद मुनि, आदि ब्रह्मा, बिजली महादेव व गौरी, ये पांचों देवता पहले श्री रघुनाथ जी के मंदिर में श्री रघुनाथ जी को नमन करते थे। तत्पश्चात ढालपुर में अपने अपने ठिकानों में ठाकर निकलने वाले दिन तक लंका में रहते थे। अब केवल देवता गौरी ही प्रथम नवरात्र को श्री रघुनाथ जी की चाकरी में उपस्थित होता है। तब ऊंची घाटी के सभी देवता सरवरी नाले के पास ठहरते थे। यहाँ काफी खाली तथा साफ सुथरी जगह थी, पानी की सुविधा भी थी। कुछ देवता व्यास नदी के बाएं तट पर देवडोभी खराहल में ठहरते हैं। ये जमदग्नि ऋषि, जीव नारायण, शुक्ली नाग, आजीमल, सर्वल नाग तथा कार्तिक स्वामी हैं। अब कार्तिक स्वामी सुल्तानपुर में मौदगिल परिवार के यहाँ ठहरता है। अब गौतम ऋषि गोशाल को छोड़कर बाकी सभी ऊझी के देवताओं के स्थान ढालपुर में हैं। 350 शताब्दी पूर्व दशहरा का प्रारंभिक समय बड़ा सादगी से पूर्ण रहा होगा, जिसमें भगवान रघुनाथ की यात्रा, इसी क्रम में पूजा आरती होती थी। दशहरा में जनता के मनोरंजन के लिए देवताओं की हॉर्न तथा बांठड़ा लोक नृत्यों का अभिनय होता था। देवताओं के हॉर्न का अभिनय सर्वप्रथम श्री रघुनाथ जी के शिविर में होता था। तदंतर अपने अपने शिविरों में नाचते गाते तथा स्वांगों का अभिनय करते हुए लोगों का खूब मनोरंजन होता था। आजादी के पश्चात प्रदर्शनी मैदान में पंजाब सरकार की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने लगे। इनका मुख्य आकर्षण पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा था। प्रकाश के लिए पेट्रोमैक्स का प्रयोग होने लगा। सन 1966 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र का हिमाचल में विलय कर दिया गया। अब इस पर्व में देश के लगभग सभी राज्यों के सांस्कृतिक दल आने लगे। कुल्लू में कला केंद्र का निर्माण हुआ तथा वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। अब कुल्लू विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल बन गया है। कुल्लू व्यापारिक केंद्र रहा है। दशमी के दौरान सबसे अधिक व्यापार होता था। ग्रामीण अपनी फसल, कंबल, पट्टू, पट्टियां आदि इस अवसर पर बेचते थे। शिंगली मिंगली, कड़ू, पतीश, अखरोट की दांतुन,
धूप तथा अनेक जड़ी बूटियों का व्यापार प्रचुर मात्रा में होता था। लाहौल से पश्मीना और पट्टियों का व्यापार होता था। यारकंद लद्दाख से हजारों खच्चरों पर नमदे, गुदमे, गलीचे आदि आते थे। स्पीति से घोड़े, व्यांगी, चीगू आदि के भेड़ बकरियों का व्यापार होता था। रामपुर से चिलगोजे आते थे। व्यापारी बाहर से सामान लाकर यहाँ बेचते थे और यहाँ से खरीद कर मैदानों को ले जाते थे। यातायात की सुविधा से अधिक व्यापारी दशहरे में आने लगे हैं। व्यापारिक क्षेत्र भी बहुत अधिक बढ़ गया है। अब ये दशहरा विश्व पटल पर अपनी एक झलक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उद्घाटित करता है। इसी दशहरा उत्सव में सैकड़ों महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में एक साथ लोक नृत्य करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। अब इस दशहरा आयोजन की पूर्णता में राज परिवार के साथ हिमाचल सरकार, जिला प्रशासन और कई स्वायत्त संस्थाएं इसको आकर्षक बनाने में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ के वाद्य यंत्र, यहाँ की व्यापारिक चहल पहल और देव पूजा मई पद्धतियों की सौम्य गतिविधियों की लहलहाती कड़ियों में लोकगीत, लालहड़ियों, लोक नृत्यों और देश विदेश की अनेकानेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ लोग 7 दिनों तक झूमते हैं, नाचते हैं और अपने आप में विस्मृत होते हुए इस उत्सव का आनंद उठाते हैं। एक के बाद एक कितने दशहरा निकल गए। सरकार और प्रशासन की कुशल प्रशासनिकता से सुंदर दशहरा अतीत हो जाएगा और जनमानस इस रंग में अपने आप रंग जाएगा और अपने को धन्य समझेगा। जय भगवान रघुनाथ, जय कुलांतपीठ।